हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल जज्बा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल जज्बा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चलिए हम आपसे सिर्फ दो से तीन मिनट लेंगे, अधिक से अधिक 4 मिनट, लेकिन इसी में आपको हम पूरे 10 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन। हाल ही में चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, अभी फ्रेंच ओपन हुआ है, उसमें चिराग शेट्टी ने कांस्य जीता है, स्वर्ण जीता है, रजत जीता है या गोल्ड जीता है? तो दोस्तों, हम सबको पता होना चाहिए कि ये चिराग रेड्डी जो है, ये रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्र का पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या दिल्ली? तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र का पहला कॉमन फाउंडेशन गुजरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी वर्ल्ड के टॉप 10 CEO का लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? दोस्तों, हाल ही में जो सबसे टॉप 10 CEO होते हैं, उसमें सबसे ऊंचे स्थान यानी कि सबसे एक नंबर स्थान किसका है? जेम्स सेन हुआंग का, शांतनु नारायण का, सत्यनारायण का या मुकेश अंबानी का? तो दोस्तों, हाल ही में जो 10 CEO टॉप 10 CEO जो है, इसमें जेम्स हुआंग जो है प्रथम स्थान पे है। भारतीय सेना किस दिन इन्फेंट्री दिवस मनाती है? दोस्तों, भारतीय सेना किस दिन इन्फेंट्री दिवस मनाती है? 27 अक्टूबर, 12 दिसंबर, 15 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, भारतीय सेना 27 अक्टूबर को अपना इन्फेंट्री दिवस मनाती है। बांग्लादेश भारत मैत्री संवाद का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? कक्स बाजार या ढाका, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, बांग्लादेश भारत मैत्री संवाद का 9वां संस्करण हमारा कक्स बाजार में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2019 में निम्न में से किन पूर्वोत्तर राज्य ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मध्य प्रदेश के साथ भागीदारी की है? दोस्तों, अक्टूबर 2019 में निम्न में से किन पूर्वोत्तर राज्य ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मध्य प्रदेश के साथ भागीदारी की है? नागालैंड, असम, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, यहाँ जो नागालैंड है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश का। हाल ही में किसने हेल्थ प्रिवेंटिक टूल लॉन्च किया है? फेसबुक, गूगल, ट्विटर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, हाल ही में हेल्थ प्रिवेंटिक टूल लॉन्च किया है फेसबुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों बार बार पूछा जाएगा, इस साल का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस अरविंद बोलने को, जस्टिस शरद मित्तल को, जस्टिस AK गोयल को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो नियुक्त किया गया है, जस्टिस अरविंद बोलने को। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही निर्मल पुर्जा ने दुनिया के 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों, अभी देखिए, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही निर्मल पुर्जा ने दुनिया के 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल, श्रीलंका, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जो है नेपाल का रहने वाला है, इसका नाम भी आप याद रखिएगा, निर्मल पुजारा। ये 14वां एवरेस्ट पर चढ़ा हुआ है। हाल ही में परमहंस योगानंद स्मारक सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है? निर्मला सीतारामन, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में परमहंस योगानंद स्मारक सिक्का निर्मला सीतारामन के द्वारा जारी किया गया। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।